रोलिंग। सो फर्स्टली तो कंग्रेचुलेशंस आदित्य थैंक यू फराज के लिए. थैंक यू। सो कैसी फीलिंग है अभी और कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर में खुद को ढालना? फिलहाल तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, परफॉर्मेंसेस पसंद आ रहे हैं। जो एक्चुअली हम कहानी के थ्रू कहना चाह रहे हैं वो बात भी व्यक्त हो रही है ऑडियंसेस को, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एज़ फार एज़ द रोल गोज़, ऑफ कोर्स हर रोल अपने आप में कठिन होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसा रोल जो मतलब मेरे रियलिटी से, मेरे पर्सनालिटी से इतना दूर है, तो काफ़ी कठिन था ये रोल निभाना, किरदार निभाना। लेकिन हंसल सर थे ही पहले से, उन्हीं का आइडिया था कि मतलब हमें इसको ह्यूमनाइज करना है, इसका थोड़ा जैसे कहते हैं वो लेयर्स ऑफ ब्रूटैलिटी के नीचे जो ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसानियत होती है, वो भी थोड़ी सी व्यक्त करनी है। तो फिर वही हमारा इरादा था पहले से ही। स्क्रिप्ट में भी पहले से ही वही बातें लिखी हुई थी, वो नुआंसेस प्रेजेंट थे, मौजूद थे। जैसे मतलब जो स्क्रिप्ट जो राघव कक्कड़, कश्यप कपूर और रितेश सर ने लिखी है, तो था कठिन ज़रूर, लेकिन एक बहुत ही जिसे कहते हैं इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को मिला। जवान लड़के कैसे रेडिकलाइज होते हैं वो तो हम मतलब काफ़ी टाइम से देखते आए, लेकिन आजकल के मॉडर्न डे में भी उन पे कैसे ये असर पड़ता है और ये क्या कर सकते हैं, वो देख के, वो समझ के, वो सीख के काफ़ी हैरान भी हुए, लेकिन मतलब अभी काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला इंसानियत के बारे में और हमारी सोसाइटी के बारे में भी। जैसे कि ट्रेलर में देखने मिल रहा है कि आपने गन, काफी गन का यूज हुआ है, सो वो गन को पकड़ना उसके लिए जी भी काफी प्रैक्टिस लगती है. सो आपका वो दौर कैसा रहा जी प्रैक्टिस तो का? वो सुनील रॉड्रिगेज सर जो एक्शन डायरेक्टर है हमारे, उनकी टीम के साथ हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए जिसे कहते हैं। वो गन तो देखिए एक बात होती है, वो गन पकड़ने का जो टेक्निक होता है वो तो सब वो आप सीख सकते हैं एक दो सेशन में, लेकिन वो जो समझ बदलनी पड़ती है हमें कि हम जो भी जब भी सिनेमा में गन देखते हैं तो वो ऐसी कोई बड़ी बात होती है नहीं। मतलब वो इट इज नॉट ट्रीटेड विद द सेम डेंजर एंड रेवरेंस के आप जो रियल लाइफ में, अगर किसी कमरे में जो अक्सर गन ना हो वो रूम में गन दिखाई दे किसके हाथों में, और स्पेशली किसी थोड़े मतलब किसी इंसान के हाथों में जिससे आप, जिस पर आप विश्वास नहीं करते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बहुत डर लगता है और बहुत पावर होता है वो गन में, वो चलाए नहीं तो भी बहुत पावर होता है। तो वो जो चीज़ है ना कि आप एक कमरे में रात भर वो गन पकड़ के लोगों को आप हॉस्टेज रख रहे हैं, तो वो गन की पावर समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और वो एक्चुअली हंसल सर का वही प्लान था, सुनील सर का भी वही प्लान था कि देखिए हम ये हम ज़्यादा देखते नहीं हैं लेकिन ये कहानी में ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हमें करना है, ये नुआंस हमें बाहर लाना है। लेकिन एक और भी बात है कि हमारे ट्रेनिंग में सुनील सर और उनकी टीम ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है गन सेफ्टी को, क्योंकि क्या होता है कि आप हम देखते हैं हॉलीवुड में भी, यहाँ पर भी कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं गन के साथ, सम आर वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो आई थिंक वो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, हम पूरी पिक्चर में मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पिक्चर में वो गन पकड़े रखे हैं पांच अलग लड़के, तो पांच लड़के जो है किरदार वो है, लेकिन पांच जवान लड़के भी हैं एज एक्टर्स। तो हाउ डू यू बी रिस्पॉन्सिबल, हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट हर्टिंग योर सेल्फ, नॉट हर्टिंग अदर पीपल, नॉट हार्मिंग द प्रॉपर्टीज, तो वो पूरा उसका सब मतलब ऐसा होलिस्टिक समझ आ गई थी, विच वॉज एक्चुअली रियली गुड एंड वेरी रिफ्रेशिंग के हुआ हमारे पिक्चर में ऐसा। सो फराज का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है जी। वो करने के बाद कितने दिन तक आप उसी कैरेक्टर में रहे शूट खत्म होने के बाद भी? जी तो जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया उसका नाम निब्रास है। वो मतलब वो ऐसा करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना जी कि आप कुछ भी काम करते हैं जिसमें आप लगन मेहनत से आप काम करते हैं, जिसमें जिस पे समय बिताते हैं आप, तो वो थोड़ा सा आप में रह ही जाता है कहीं ना कहीं, इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज इन दिस केस ऑफ कोर्स होपफुली वो किरदार के क्वालिटीज ना आ जाए, बट वो जिससे जो जो समझ मिली है इसमें ये काम करके, ये कहानी पे काम करके, हंसल सर के साथ काम करके, तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आई वुड होप के आई कीप इट विथ मी और मैं आगे ले जा सकूँ। कभी कभी कोई कट कट कैरेक्टर कट लाइट कम हो गया ना, चेक करो। रोलिंग।
कभी कभी किसी कैरेक्टर को करने के लिए काफी स्टडीज भी करनी पड़ती है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो काफी सेंसिटिव भी है, सो आपको क्या कुछ करना पड़ा इसके लिए? तो जैसे आपने कहा, तैयारी तो करनी पड़ती है, और मैं तो मतलब बेशक तैयारी करने में मानता ही हूँ। मुझे एक्चुअली जब मैं अगर मैं मेरी बुनियाद अगर यू नो सॉरी सॉरी फिर से ले लेते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, मतलब तैयारी तो करनी ही पड़ती है, और मैं तो मतलब प्रेपरेशन में ही मानता हूँ। मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिलता है अगर मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, अगर मेरी बुनियाद कड़क है तो मुझे एक्चुअली जब मैं सेट पे उतरता हूँ या स्टेज पर उतरता हूँ तो मुझे तब मैं फ्रीडम के साथ डिस्कवर कर सकता हूँ नई चीज़ें वाइल ऑन स्टेज वाइल ऑन सेट। लेकिन अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग ना हो तो आप उसी में अटके रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, तो यू कैन नॉट रियली परफॉर्म एंड बी कम्प्लीटली प्रेजेंट। एटलीस्ट दैट्स माय प्रोसेस फॉर मी। तो इस रोल के साथ भी वही हुआ। हंसल सर ने हमें एक महीने की लगभग वर्कशॉप कराई थी। हमने काफ़ी रीडिंग्स किए साथ में, सारे जो यंग कास्ट है रेस्टोरेंट में साथ में मिलके हमने रीडिंग्स की। हमने उनके जो हंसल सर के जो पुराने एसोसिएट है इखलाक अहमद खान, जो फिल्म के एसोसिएट राइटर भी है, उनके साथ हमने जो कुरान शरीफ की जो सुराएं हैं या नमाज पढ़ने का जो तौर तरीका होता है, या फिर आप जो इंटरप्रिटेशन की बात बोलते हैं कि आप एक ही सुरा लेके आप हज़ार तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमारे पिक्चर में तो दो बड़े डिस्टिंक्ट तरीक़ों से इंटरप्रेट होते हैं, तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है उस पर हमने काम किया। खैर, हमने अपना खुद का भी रिसर्च और रीडिंग किया, और आई थिंक वही पॉइंट वही था कि आपको समझना है कि ये लड़के लोग इस मुकाम तक कैसे पहुंचते हैं, वो इम्पोर्टेंट था। और एज एन एक्टर आई थिंक आपका मेन जॉब रहता है कि यू हैव टू मेक द ऑडियंस बिलीव दैट व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग इज ट्रू एंड इट्स ऑनेस्ट। तो हाउ डू यू गेट योर सेल्फ टू बिलीव व्हाट दिस कैरेक्टर इज सेइंग एंड डूइंग? मतलब ये इतना घिनौना काम है, इतना रेप्रिहेंसिबल काम है, ये करते हुए ये जो कहते हैं वो कहते हुए तुम कैसे बिलीव कर पाओ एज एन एक्टर वो किरदार को? तो वो एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज था। बट यू नो, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हंसल सर की गाइडेंस के साथ हम वो कर पाए। जैसे कि आपने कुरान शरीफ का जिक्र किया अभी, सो आपका रिलीजन और जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है वो काफी अलग है, सो उन चीजों को दिमाग में रखकर क्या कुछ करना था? बिकॉज वो एक बहुत ही डिफरेंट नहीं हो जाता है। देखिए, एज एन एक्टर आपको हमेशा किरदार भी प्ले करने पड़ते हैं जो आप शायद हो नहीं, यू नो। मतलब मैं शायद अगर मैं कहूँ कि मैं मास्टर्स करके बैठा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर मुझे कल किसी 10th पास का रोल करना पड़े तो मुझे वो सीखना पड़ता है, मुझे वो चीज़ें जो मैंने शायद लर्न की हो लाइफ में मुझे अनलर्न करनी पड़ती है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एक्टर्स जॉब टू डू थिंग्स दैट यू माइट नॉट नॉर्मली बी, और टू प्ले रोल्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप वो करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आपको फिर तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ और मुझे अगर कुरान शरीफ की सुराह पढ़नी है या नमाज पढ़नी है तो फिर लोगों की निगाहें डटी रहेगी, लोग भी बोलेंगे कि भाई देखो गलती यहाँ वहाँ हुई है या नहीं हुई है, तो वो मतलब जाहिर सी बात है उस पर थोड़ा सा प्रेशर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप जी तोड़ के मेहनत करो तो शायद परिणाम सही निकले, और आई होप कि हमारे इस केस में भी वही हुआ है। बट मैं वही कहना चाहूँगा कि वी वर कॉग्निसेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें पता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठाई है हमने, लेकिन उसी के लिए हमने वो एक महीने का प्रेपरेशन और वर्कशॉप किया, जो आई थिंक सब करके सही निकला है कुछ। तो ट्रेलर देखने के बाद आपके पापा का क्या रिस्पॉन्स था? ट्रेलर देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद उनको तो बड़ी अच्छी लगी पिक्चर। उनको जो हंसल सर कहना चाह रहे थे कहानी के थ्रू, जो राइटर्स कहना चाह रहे थे कहानी के थ्रू, उनको भी वो बात काफ़ी अच्छे से समझ में आई। उनको परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छे लगे। हमने तो बैठ के मतलब हम हर परफॉर्मेंस के बाद, जो भी हम एक दूसरे का अगर काम देखते हैं तो हम एक दो तीन तीन घंटे बैठ के बस बतियाते हैं उस पर, उसको एनालाइज करते हैं। तो हमने इसी के साथ भी वही किया, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि उनको परफॉर्मेंस पसंद आया।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया हो बट आपको पहले आपको मतलब पापा से डिस्कस करना आपको पसंद हो कि हाँ मुझे इस कैरेक्टर के लिए? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डिसीजंस खुद ही लूँ. ऑफ कोर्स मैं उनकी एडवाइस तो लेता ही हूँ, मतलब वो इतना नॉलेज है उनको, इतना एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए केयर भी करते हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स मैं बेवकूफ़ रहूँगा अगर मैं उनकी सलाह ना लूँ. लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए जो कहानियों के पिक्चरों के डिसीजन लेने पड़ते हैं या वो सब चीज़ों के लिए मैं अपने इंस्टिंक्ट में मानता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी और का सुन के, नो मैटर हाउ वेल मीनिंग, अगर आप किसी और का सुन के आप डिसीजन ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम नहीं होता. फिर अगर आप सक्सेसफुल हुए या फेल हुए तो फिर वो सक्सेस या फेलियर आपका फील नहीं होता, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डेंजरस थिंग. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि खुद की डिसीजंस लो, सोच समझ के लो, लेकिन खुद के डिसीजन लो. शूटिंग के वक्त कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट हुआ हो सेट पर जो आप शेयर करना चाहें आपके फैंस के साथ? तो वैसे तो काफ़ी काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स थे, काफ़ी यू नो वार्म अफेक्शनेट मोमेंट्स थे. हमने कोविड बबल में रहकर साथ में पिक्चर बनाई है, तो आई थिंक वो यू नो पूरी टीम के साथ, हंसल सर के साथ, इतना इतना सुंदर वक्त गुजरा हमारा. हंसल सर कुकिंग बढ़िया कर लेते हैं, तो हम अक्सर जो हमारा ब्रेक डे होता था, अगर अगले दिन ब्रेक है या टर्न अराउंड है जिसे कहते हैं, तो हम सर के रूम पे चले जाते थे. सर बढ़िया सा खाना बनाते थे और हम साथ में मिलके जो खाते थे, मतलब ऑलमोस्ट सच में कहूँगा मैम कि ये फैमिली वाली फीलिंग आई थी बनाते समय. यू नो हम सब नए थे, हम सब अपना करियर वन वे और अनदर चालू कर रहे हैं या शुरुआत हो रही है करियर की. और फिर हंसल सर जो मतलब उन्होंने तो मतलब इतनी कमाल की पिक्चरें बनाई, उन्होंने जस्ट स्कैम बनाई थी, स्कैम आई थी, स्कैम हिट हो गई थी, तब हम साथ में मिलके उन्होंने ये पिक्चर बनाई. लेकिन तो मतलब हम सब प्यार मोहब्बत से काम कर रहे थे, हंसल सर का जो विजन था उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ा ही सुंदर वक्त गुजरा. इसी के साथ ही आदित्य, अगर आपको इन फ्यूचर अगर बॉलीवुड के किसी एक्टर एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का जी मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? ओ ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब मैं किसी एक का नाम लूँ तो फिर वो बाकियों के लिए डिससर्विस होता है. बट मैं कहूँगा कि मतलब इतनी लंबी लिस्ट है मैम, यू नो अगर आप कहो कि राजकुमार राव सर के साथ काम करना चाहूँगा, रणबीर कपूर की एक्टिंग तो मतलब बचपन से पसंद आती है, आलिया भट्ट कमाल की एक्टर है, पंकज त्रिपाठी सर कमाल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर भी हैं, कभी शायद पिताजी के साथ भी काम करने का मौका मिले तो बेशक करना चाहूँगा. अगर पिताजी के साथ आपने जिक्र किया, पिताजी के साथ अगर आप काम करना चाहेंगे उस वक्त आपके दिमाग पे क्या? क्योंकि आपके डैड बहुत ही दिग्गज एक्टर हैं जी जिन्होंने पता अनगिनत फिल्में दी हैं जो आज भी एवरग्रीन की तरह चल रही है. कैसा कैरेक्टर आप उनके साथ प्ले करना वो चाहेंगे? तो कहानी, कॉमेडी? वो तो कहानी पे डिपेंड है, मतलब उनके साथ या तो ड्रामा या तो कॉमेडी. मतलब मैंने उनको अपने बचपन में उनके नाटक करते हुए देखा है, तो मतलब वो जो ड्रामा में भी जो काम करते हैं, जो मतलब जो चीज़ें ला पाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी सीख मिल सकती है यू नो एज एन एक्टर मुझको. बट ऑफ कोर्स कॉमेडी में भी तो वो मतलब कमाल है ही, तो आई थिंक मैं दैट वुड डिपेंड ऑन द स्टोरी टू बी ऑनेस्ट. आपसे अगर पूछे कि आपके फादर की कौन सी ऐसी फिल्म है अब तक की जो आपकी फेवरेट है? आई वुड से काफ़ी है, अगेन उन्होंने तो आई थिंक 300 से ज़्यादा पिक्चरें करी है, तो काफ़ी पसंद है. बट आई विल से कि मुझे ओए लकी लकी ओए एक ऐसी पिक्चर है जो मुझे बहुत पसंद है बचपन से भी. मतलब मैं वो कहानी, वो लकी का किरदार, पिताजी के जो तीन अलग किरदार है, सिमिलर रीजन के हैं लेकिन फिर भी उन्होंने जो वेरिएशन लाया है तीनों किरदार में, आई थिंक वो पिक्चर आउट एंड आउट मास्टर क्लास है. अगर आप कहो डायरेक्शन की, राइटिंग की, परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड बिल्डिंग की, मतलब और वो कहानी कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, वो किरदार क्या क्या करता है, फिर भी आपको उसके लिए पिटी, उसके लिए थोड़ी सी सिंपथी फील होती है, तो मतलब बहुत 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 सुंदर पिक्चर है वो. लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं बस आप जब भी जा सको सिनेमा में जाकर फराज देखिए. हमने बहुत मेहनत से, लगन मेहनत से, प्यार मोहब्बत से पिक्चर बनाई है. आई होप कि जब भी आप देखें आपको पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू सो मच.
ट्रेलर बाकी बहुत अच्छा है। वो भी अभी पिक्चर के लिए टाइम नहीं मिला अभी क्योंकि एक भी किक ऑफ नहीं आया है, बट ट्रेलर तो बहुत अच्छा है। ट्रेलर तो मतलब बहुत पसंद आया मुझे। पिक्चर भी देखिए, ट्रेलर इतना एक्साइटिंग है तो फिर मूवी देखना ही पड़ेगा। ओके हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।